वेलकम फ्रेंड्स, प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको MI के जो फोन्स होते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मेरे पास ये फोन है, Redmi का 3S Prime है, और इसमें कॉमन प्रॉब्लम जो सभी Redmi फोन्स उसमें आती है कि ये जो फोन्स हैं वो रिस्टार्ट होने चालू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने इसको ओपन कर रखा है, इसमें भी यही फॉल्ट था। ये जो है अपने आप बैटरी लगाते ही ऑन हो रहा था और उसके बाद में रिस्टार्ट होता ही जा रहा था। तो मैंने इसका जो फॉल्ट अभी क्लियर कर लिया है, और इसमें जो फॉल्ट था वो मैं आपको इस वीडियो में बस बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि हम ऐसे फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बैटरी है वो हटी हुई है, इसको मैं लगा रहा हूँ। इसमें लगाने के बाद जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं, MI के फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता है और उसके बाद वो MI पे ही रिस्टार्ट होने लगता है। कईयों में फास्ट बूट लिखा हुआ भी आता है स्क्रीन पर, और वैसे कैसा रहता, पूरा ऑन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो है ऑन ऑफ का पत्ता लगा होता है, तो मैंने इसको निकाला लेकिन फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने नया लगा के देखा तो भी ये ठीक नहीं हुआ। मैंने इसकी जो पावर IC होती है यहाँ पर, वो भी रिबोल करी, उससे कोई फॉल्ट नहीं हुआ। और इसके नीचे बैक साइड में जहाँ पर मेमोरी और CPU लगा होता है, उसके साइड में भी एक पावर IC होती है, मैंने वो भी रिबोल करके लगाई, उससे भी ये फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम ऑनो का पत्ता लगाते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टर लगा होता है, जैसे ये टच वाला कनेक्टर है रेड ब्लैक कलर का, ऐसा ही यहाँ पे लगा होता है। मैंने इसको उतारा है, और इसके उतारने के बाद में मैंने इस फ़ोन को ऑन किया अपने ट्वीजर की हेल्प से, तो ये मेरा फ़ोन है जो नॉर्मली ऑन हो गया। जो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं हुई दोबारा से, और ये पूरा ऑटोमेटिक अपने आप मतलब सही ऑन हो गया। जो रिस्टार्ट हो रहा था बार बार, फास्ट बूट मोड आ रहा था, कई बार इसके जो बटन्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप काम कर रहे थे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी, ये जो ऑन ऑफ पत्ते का कनेक्टर है इसको उतारने के बाद में ठीक हो गई, और जो फ़ोन है नॉर्मली ऑन हो गया और वर्क करने लग गया। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, तो आप सबसे पहले ये जो कनेक्टर होता है यहाँ पर ऑन ऑफ वाला, इसको आप हटाएं, इसकी जगह पे हो सके तो बिल्कुल फ्रेश है वो लगा के देख लें। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ये 99% सोल्व होगी। अगर इससे नहीं हो पाती है तो आप इसको सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं। पावर IC में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों पावर IC को रिबोल करके दोबारा से लगा के देखा है, और ये वाली यहाँ पे जो पावर IC होती है PMI 8952, इसको मैंने नया भी लगा के देखा, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से थी। तो मैंने इसको यहाँ से उतारा और इसको ऑन किया तो ये ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताना था इस वीडियो में वही था कि आपको सिर्फ जो ऑन ऑफ का कनेक्टर होता है वो आपको चेंज करना है, और आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। अगर नया लगाने पे भी सोल्व ना हो तो आप ऑन ऑफ का ओनली जम्पर लगाएं, ये जो हमारा ऑन ऑफ का पत्ता होता है इस पे माइनस और प्लस का जम्पर लगाएं पावर बटन के लिए, और वो बोर्ड में उसको कनेक्ट कर दें, और सिर्फ यही आपको करना है, और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सोल्यूशन आपको पसंद आया, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।